Congratulations, Ujjwal. You are the Gamer Influencer of the Year, of course. It's a great feeling. Thank you so much. It is because of your love and support. Of course, and this is a very personal topic because, you know, I'm a techie at heart and to talk. Yeah. And Ujjwal, how did you all start? Like, when was the starting? When did you know that you have a gamer in you and when you know that, you know, you really want to be in that profession and chase it? Yeah. तो स्टार्टिंग में तो मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो उसके बाद ही मतलब मैंने गेमिंग तो मैं मतलब शुरू से ही खेल रहा हूँ. बाकी है कि जब प्रोफेशनल तरीके से मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करा तो वो था कि मैं 10th मतलब 10th क्लास मेरी तब चल रही थी. तो उसके बाद मेरे भाई का फ़ोन था तो मैं गेम खेलता था पूरे टाइम. तो मेरे भाई ने बोला कि यूट्यूब पर भी डाल इस चीज़ को. तो फिर मैंने यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोज़ ना पहले डाल दी थी ऐसी मजे के लिए. मैं दूसरों की देखता तो मैंने भी डाल दी थी. तो काफ़ी टाइम बाद ना उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए. वो मेरे को पता ही नहीं था उस पर व्यूज़ आ गए हैं. तो मेरे भाई ने देखा तो उसने फिर बोला कि तू कंटिन्यू कर इस चीज़ को. तो बाकी उस टाइम पर कंटिन्यू करा. फिर ऐसे करते करते कुछ 4 महीने तक रेगुलर वीडियो डाली थी तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए. तो उसके बाद फिर फैमिली में ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करा. फिर उसके बाद रेगुलर ऐसे करते करते अभी फुल टाइम है अभी और कुछ नहीं. हाँ अभी अभी हाँ 12th कम्प्लीट हो गई उसके बाद तो अभी फुल टाइम ही चल रहा है. ऐसा नहीं है कि बैठ के आदमी गेमिंग कर रहा है. इसमें टू मच वर्क इज देयर. हां एडिटिंग अपलोडिंग और भी बहुत कुछ कंटेंट क्या होना चाहिए सर्चिंग ये सब भी है. सो अभी हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव ऑन योर YouTube चैनल? 7.1 मिलियन. दैट्स नॉट बैड. दैट्स ग्रेट. दिस वीडियो आई विल सेंड इट टू यू. डेफिनेटली अपलोड इट. सो यू आर GTA 5 प्लेयर राइट? मोस्टली यू आर या मतलब यू आर दैट जोन राइट? या ग्रेट. So, which was the first video game that you ever played? पहले चलता था मारियो चलता था. करेक्ट. तो उस टाइम पर वो मैंने हाँ वो तो सबका ही फर्स्ट गेम होगा. बट ये है कि जब मैंने अपनी गेमिंग स्टार्ट करी यूट्यूब पे डाला तो मैं उस टाइम पर मैं मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ स्टार्टिंग से. ड्रैगन बॉल जी और उस टाइम पर जैसे फ्री फायर और भी बहुत सारी गेम्स जो कि मैं खेलता था. बट मेन जब मैं यूट्यूब पर आया था तो मैं ड्रैगन बॉल जी से आया था. उसके बाद मैं स्टार्टिंग में मोबाइल की गेम्स खेलता था. पीसी गेम्स पर मैं अभी कुछ टाइम पहले स्विच हुआ हूँ. सो You are very popular, of course, on YouTube and as a gamer. You are a gaming influencer. But which gamer do you look up to? Who inspires you? Who's your role model to this person? Inspire to मैंने मतलब like बाहर वालों को मैंने बहुत देखा. मतलब जो out of India उनको मैं क्योंकि starting में वो लोग बहुत आगे थे. करेक्ट. जब मैंने उन्हें देखा था ना तभी वो 6 million तो उनको लोग भी बहुत सारे देखते थे. अब लेकिन तो फिर मैंने कहा ये डेवलप हो गया राइट. हाँ अभी अपने इंडिया में भी गेमिंग बहुत ज्यादा. उस टाइम इंडिया में इतने गेमर्स नहीं थे. तो मैं उस टाइम पर ये जेली क्वेबल पॉप प्यूडीपाई इन सबको देखता था. और बेसिकली मैं इन्हीं सब लोग को देख के इंस्पायर हुआ. जैसे वेनोस गेमिंग हो गया. वेनोस गेमिंग GTA 5 खेलता था. जेली माइनक्राफ्ट ये सब गेम्स खेलते थे. पर उस टाइम पर इतना अच्छा पीसी नहीं था कि ये गेम्स चल जाए. तो मैंने मोबाइल से स्टार्ट करा. बट अब मैं पीसी गेम्स पर स्विच हो गया लास्ट ईयर. अगर आपको एक गेमिंग इन्फ्लुएंसर अगर आपको वोट करना हो आपके अलावा जो भी मतलब सबसे फनी वीडियोस में बना रहा है वो है अपना मिथपैट. मेरे को उसकी वीडियो बहुत सही लगती है. वो फनी मतलब बहुत ज्यादा कर देता है. तो वो चीज करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. बट क्या है थोड़ा सा ना उसमें टाइम लगता है एडिटिंग में. तो भी क्या है मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ तो इसलिए एडिटिंग का उतना टाइम मिल नहीं पाता. आप खुद ही एडिटिंग करते हो या योर टीम? हाँ सब कुछ खुद है. Favorite gamers. तो एक तो आपने बोला Mario. What are the other 3 favorite games of your childhood? Childhood favorite games. Snow Bros, Mario, and third is Contra. What are your name 3 underrated games today? Last Day Rule Survival एक game है. बहुत सही multiplayer game है. तो मैंने स्टार्टिंग में खेला था बट इंडिया में उसे इतना खेलते नहीं है. और उसमें मैक्सिमम मतलब बहुत कम प्लेयर्स फ्रेंड वगैरह नहीं आए. तो फिर अकेले मल्टीप्लेयर गेम को अकेले खेलने में कोई मजा नहीं है. तो बस यही चलता वो शीट ताले अबे कहां जा रहा है ये वो. इसके बिना तो मजा ही नहीं है बाकी. Xbox or PlayStation? GTA 5 or Fortnite? GTA 5. Minecraft or PUBG? ये खतरनाक क्योंकि पबजी मैंने छोड़ी है. माइनक्राफ्ट शुरू करी है अभी. बाकी है दोनों अच्छी. माइनक्राफ्ट आपको लगता है पबजी बैन करना ठीक था? नहीं
पबजी से ही तो इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी इतनी आगे बढ़ी है, पबजी की वजह से इतना हुआ है ये सब। यू मेक योर ओन सिस्टम और यू जस्ट बॉट अ माइक? हां मतलब ये खुद ही अपना सिस्टम बनाया। कौन सा कॉन्फिग होगा वो? 1070 अभी मैंने ग्राफिक कार्ड अभी अपग्रेड करा है, मतलब अभी तक मैं उस पे ही काम कर रहा था 1060 पे, अभी मैंने 1070 करा है, बस एक अपग्रेड करा है और बाकी प्रोसेसर मेरा i9 है अभी। मतलब बेसिकली अभी एक दो महीने पहले मैंने अपना पीसी इतना हाई एंड करा है, उससे पहले मेरा पीसी वही 40-50,000 वाला था, ज्यादा हाई एंड भी नहीं था। ओह वाओ, तो बस अभी लास्ट। ऐसा नहीं है कि गेमिंग के लिए यू हैव टू बाय द बेस्ट ऑफ मशीन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ एंट्री लेवल। हां, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बट बिफोर आई गो आई हैव टू गिव यू द ट्रॉफी व्हिच यू राइटली डिजर्व। Here's a trophy. Please accept it. Thank you. This is what you deserve. Thank you. And great to have you with us. Take care. All the best. Keep playing. We'll see you very soon. Bye. Bye-bye.